दुनिया के बेहतरीन लग्जरी ब्रांड BMW ने जब 1998 में रॉयल्स रॉयज कंपनी को खरीदा था, तब उस समय BMW की प्लानिंग थी कि वो रॉयल्स रॉयज के ऊपर अपना नाम और अपना लोगो लगाएगा। इसीलिए जब उसने रॉयल्स रॉयज से उसके नेम और लोगो के राइट्स नहीं खरीदे थे, और ये BMW की सबसे महंगी गलतियों में से एक थी। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो आपको नई दिखाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर देना। देखिए, जब रतन टाटा जी ने लैंड रोवर कंपनी खरीदी थी, उन्होंने उसकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी खरीद ली। इसलिए उसकी लेक्सोनो टाटा की हैरियर और बेहतरीन डिजाइन के साथ आ रही हैं। तब BMW को अपनी गलती का एहसास हुआ कि रोल्स रॉयज के लोगों के बिना उस गाड़ी में वो बात नहीं रह जाएगी। तब उसने दोबारा रोल्स रॉयज कंपनी से उसका नाम और लोगो खरीदने के लिए डिस्कस की। नाम और उसका लोगो 300 करोड़ रुपए में बिका। तब BMW को क्लियर कर दिया गया कि तुम BMW हो सकते हो, मगर हम रोल्स रॉयज थे, रोल्स रॉयज ही रहेंगे। गाइस, रोल्स रॉयज दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम। लेकिन क्या आप जानते हैं, रोल्स रॉयज के पहियों में लगा RR का लोगो घूमने के साथ कभी उल्टा नहीं होता है। अगर आपने एक बात गौर की हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी कार के पहियों में बीचों बीच लोगो लगाती हैं, और जैसे ही वो पहिया घूमता है लोगो उल्टा हो जाता है। लेकिन रॉयल्स रॉयज में एक ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिसे कार का पहिया घूमने के बावजूद लोगो नहीं घूमता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि रॉयल्स रॉयज की कार के गेट पर बटन दबाते ही एक ब्रांडेड छाता दिखाई देता है। चलिए जानते हैं रॉयल्स रॉयज अपनी कारों में ये ब्रांडेड छाता क्यों देता है और इसकी कीमत क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि रॉयल्स रॉयज की कारें काफी ज्यादा महंगी होती हैं, पर इस कार को खरीदने के लिए आपको कई नियमों का पालन करना पड़ता है, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। रॉयल्स रॉयज में छाता देने का मेन रीजन ये होता है कि वो कंपनी सबसे अलग पहचान कर सके। इन ब्रांडेड छातों का इनके कारों के साथ इनको डिजाइन किया गया है। रॉयल्स रॉयज में जो छाता लगा होता है, इसकी कीमत 50,000 रुपए होती है।